हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सौरभ क्लासेस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं करंट अफेयर्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, कैबिनेट मिनिस्टर्स, और बाकी हम करंट अफेयर्स के टॉपिक नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे। तो आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आपको वीडियोज़ हमारी मिलती रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नरेंद्र मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। इनके पास डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशंस, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड ऑल इम्पोर्टेंट पॉलिसीज। नेक्स्ट देखते हैं हम गजेंद्र सिंह शेखावत, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है इनके पास। तो हमें इसको याद करने के लिए एक ट्रिक का सहारा लेते हैं। गजेंद्र, गजेंद्र से हम याद करेंगे गरजने वाले, बादल गरजते हैं तो वर्षा होती है, वर्षा होती है तो पानी मिलता है। तो गजेंद्र सिंह शेखावत जी के पास है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे गिरिराज सिंह, इनके पास है मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग एंड फिशरीज़। तो गिरिराज, हम कृष्ण जी को जानते हैं गिरिराज महाराज के नाम से, तो उनको पशु से प्रेम था, गाय उनकी प्रिय थी, तो आप उनसे रिलेट कर सकते हैं गिरिराज सिंह जी को। तो गिरिराज सिंह जी के पास है मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग एंड फिशरीज़, ओके। नेक्स्ट डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे, जैसा कि आप सभी जानते हैं महेंद्र सिंह धोनी हमारे इंडिया के अच्छे क्रिकेटर रहे हैं और अच्छे कैप्टन भी रहे हैं, उन्होंने जीत भी दर्ज कराई है हमारी इंडियन टीम को। तो आपको बता, उनकी स्किल बहुत अच्छी थी और एंटरप्रेन्योरशिप डिपार्टमेंट महेंद्रनाथ पांडे के अंडर है। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप का जो डिपार्टमेंट है महेंद्रनाथ पांडे के पास है, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी की स्किल अच्छी थी तो उससे हम रिलेट कर सकते हैं इसको, ओके। नेक्स्ट श्री प्रहलाद जोशी, तो इनके पास है मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड माइंस। तो इससे हम रिलेट करेंगे जोशीले लोगों की ज़रूरत किधर है, पार्लियामेंट में है तभी तो हमारा देश का विकास होगा, और जोशीले लोगों का ही काम कोल माइंस में है, तो इससे हम इजीली रिलेट कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मुख्तार अब्बास नकवी, तो ये एक मुस्लिम लीडर हैं तो हम इससे रिलेट कर सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, क्योंकि माइनॉरिटी के अंदर माइनॉरिटीज़ में है, हमारी मुस्लिम माइनॉरिटीज़ हैं तो इससे हम रिलेट कर सकते हैं। मुस्लिम्स जो हैं माइनॉरिटीज़ के अंदर आते हैं तो हम इसको रिलेट कर सकते हैं। मुख्तार अब्बास नकवी के पास है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, ओके। नेक्स्ट देखते हैं धर्मेंद्र प्रधान, आपको पता होगा जैसे गांव में प्रधान जो होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, गोल मटोल चेहरे जैसे, देख लो आप इनको ऐसे ही होते हैं वो। तो उनके पास पैसा आता ऊपर से, खर्च तो उसको करते नहीं, वो अपने घरों को ही बढ़ाते हैं उससे। तो उनके घर में भाई पेट्रोल की और गैस की कमी होती नहीं है, उनको गैस की ना चिंता होती ना पेट्रोल की होती है, स्टील के उनके घर पर गेट होते हैं, तो इससे हम रिलेट कर लेंगे पेट्रोल गैस एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्टील धर्मेंद्र प्रधान के पास है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं पीयूष गोयल, तो आपको पता ही होगा पीयूष गोयल जी के पास है रेलवे मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स हैं, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है। तो रेलवे के अंदर आपको पता है रेल के ही अंदर आते हैं, फूड और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो सामान आता है वो सब रेलवे से ही आप रिलेट कर सकते हो, कि स्टेट इंटर स्टेट जो भी ट्रांसफ़र होता है सामान का वो इनसे ही होता है, रेल से ही होता है। और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ का सामान भी ऐसे ही जाता है, ठीक है, तो इससे आप रिलेट कर सकते हैं ईजीली। प्रकाश जावेदकर के पास है एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट एक्सचेंज, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, हैवी इंडस्ट्री एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस। तो आपको पता होगा प्रकाश एनवायरनमेंट में फैलता है उजाला, फॉरेस्ट और प्रकाश जावेदकर जी के पास डिपार्टमेंट है एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस। तो आप इसको रिलेट कर सकते हैं, प्रकाश एनवायरनमेंट में फैला, फॉरेस्ट में फैला, क्लाइमेट चेंज हुआ, ठीक है, उसकी इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग हुई,
और हैवी इंडस्ट्री और पब्लिक एंटरप्राइजेज को आप इसमें ही ऐड करके याद रख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हर्षवर्धन, इनके पास है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड अर्थ साइंसेस, तो आप इसको ध्यान रख सकते हैं। वैसे भी आपने देखा होगा लॉकडाउन में इनको कई बार देखा होगा न्यूज़ चैनल पे, एक कॉन्फ्रेंस काफ़ी सारी की हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं ये, तो आप इनको इजीली याद रख सकते हैं। हेल्थ अच्छी रहेगी तो हम फैमिली का भी वेलफेयर के बारे में सोच सकते हैं, और हेल्थ से रिलेटेड जो भी दवाई बनती हैं वो साइंस और टेक्नोलॉजी से ही तो बनती हैं, और अर्थ हमें रिसोर्स देती है दवाई के लिए, जैसे कि जड़ी बूटियों के लिए देती है, तो हर्षवर्धन को आप इजीली याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है स्मृति ज़ुबैन ईरानी, तो आपको पता है वुमन है ये, और वुमन ही चाइल्ड का डेवलपमेंट करती है, और मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल भी इनके पास है, तो टेक्सटाइल का जो काम होता है वुमन ही अच्छी तरह कर पाती हैं और वही करती आई हैं अब तक, तो उससे हम रिलेट रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अर्जुन मुंडा, अर्जुन मुंडा ये एक तो शक्ल से गुंडे जैसे दिख रहे हैं, आप इनको ध्यान से देखें तो गुंडे के दर पाते हैं, मुंडा गुंडा मुंडे गुंडे पाते हैं हमें ट्राइबल एरियाज़ में, तो आपको पता होगा ट्राइबल एरियाज़ का जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है वो अर्जुन मुंडा के पास है, तो इसको आप आराम से याद रख सकते हैं। ठीक है, रमेश पोखरियाल हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, ये आपको पता ही होगा, आपने देखा भी होगा नीट के एग्ज़ाम डिले हुए थे, नीट जेई के, तो उसके लिए इन्होंने कई बार कॉन्फ्रेंस की थी कोरोना टाइम में, तो आपको ईजीली उनका याद होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एस जयशंकर, ये हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है इनके पास। ठीक है, तो आप उनको जयशंकर, शंकर भगवान तो भाई सारे एक्सटर्नल और इंटरनल अफेयर सारे वो ही देखते थे, तो आप इनको आराम से याद रख सकते हैं, एस जयशंकर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, तो ये हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, ये आप सभी को पता ही होगा, आपने देखा भी होगा न्यूज़ में कई बार इनको, आप एक दो बार सारे इनको कैबिनेट मिनिस्टर्स को पढ़ेंगे ना, दो से तीन बार पढ़ने में आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, तो कुछ की हम ट्रिक से याद करने की कोशिश करेंगे, कुछ को हम वैसे भी याद रख पाएंगे क्योंकि हम इनको अक्सर न्यूज़ चैनल में देखते रहते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं थावरचंद गहलोत है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, तो आपको पता है चांद की जब रोशनी पड़ती है तो सब पे बराबर पड़ती है, तो वो सोशल जस्टिस करता है चांद, और सबको एम्पावरमेंट मिलती है, जब सोशल जस्टिस रहेगा तो एम्पावरमेंट अपने आप ही मिलेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं हम रविशंकर प्रसाद, तो शंकर भगवान लॉ एंड जस्टिस करते हैं भगवान, आपको पता ही है कम्युनिकेशन उनसे करना बहुत ईजी होता है, क्योंकि आपको पता है भोलेनाथ बहुत भोले होते हैं, और इन्फॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी सब भगवान के ही सहारे तो चली रही है। रविशंकर प्रसाद लॉ एंड जस्टिस कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आपने इनको देखा भी होगा न्यूज़ चैनल में, चलो अगर आपको याद नहीं रहता तो इसके लिए ट्रिक बनाते हैं हम, जैसे एक रवि मेरा एक फ्रेंड है तो वो एक लॉयर है, तो वो लॉ और जस्टिस में है। ठीक है, कम्युनिकेशन वो मुझसे रेगुलरली करता रहता है, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट उसके पास है, तो इन्फॉर्मेशन वो मुझे देता रहता है कम्युनिकेट करके, और लॉ और जस्टिस में वो खुद ही है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं नरेंद्र सिंह तोमर, इनको आपने देखा ही होगा फिलहाल जो किसान आंदोलन चल रहा है, इनके बिल्स फॉर्म बिल्स आए हैं जो उनके अपोज में, तो आपने इनको कई बार देखा होगा चैनल पे, तो ये हमारे एग्रीकल्चर एंड फार्म वेलफेयर मिनिस्टर हैं, रूरल डेवलपमेंट इनके अंडर है, पंचायती राज इनके अंडर है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ जो कि पहले हरसिमरत कौर बादल के पास था डिपार्टमेंट, उन्होंने फार्म बिल्स के अपोज में उसको अपने इस्तीफा दे दिया इन्होंने अपने अपने पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया। ठीक है, तो आप इनको इजीली याद रख सकते हैं, एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर, ठीक है वो तो है ही इनके हाथ में, और जब एग्रीकल्चर से रिलेटेड है तो ये रूरल डेवलपमेंट भी यही करेंगे, पंचायती राज भी उसके अंडर ही आ जाता है, फूड प्रोसेसिंग भी एग्रीकल्चर के अंडर आती है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं डीवी सदानंद गौड़ा, देखिए कितने खुश हो रहे हैं, इसका मतलब जैसे किसान केमिकल फर्टिलाइज़र अपनी फसल में डाल देते हैं तो वो खुश हो जाते हैं भाई, सदा आनंद में रहते हैं ये, क्योंकि उनको पता अब तो प्रोडक्शन बम्पर होगा, तो ऐसे इनको याद रख सकते हैं आप।
निर्मला सीतारमण, ये कभी कभार ऐसे अजीब बयान देती हैं, लगता ही नहीं है फाइनेंस मिनिस्टर है हमारी। तो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड कॉरपोरेट अफेयर्स, आपने देखा भी होगा, आप सभी इनको जानते भी होंगे अच्छी तरह। निर्मला सीतारमण हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम नितिन गडकरी, ये हमारे मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, मिनिस्टर ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो नितिन गडकरी जी के डिपार्टमेंट ये हैं। ओके नेक्स्ट देखते हैं हम अमित शाह जी, इनको कौन नहीं जानता, ये बीजेपी के चाणक्य के नाम से जाने जाते हैं, जहाँ सरकार नहीं बनती वहाँ भी बना देते हैं, ये ऐसा तिकड़म बैठाते हैं। तो आप सभी को पता ही होगा इनके बारे में, इसलिए मैंने जो जो आपको याद हैं, जिनको जो कॉमन है वो तो मैंने सबसे लास्ट में लिया, ताकि आप स्टार्ट करो तो जिनको जिनके बारे में आप नहीं जानते उनसे स्टार्ट करो, तो ईजी रहेगा रिविज़न करने में। ओके नेक्स्ट देखते हैं राजनाथ सिंह जी, ये हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं। तो दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मुझे उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मुझे उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी, और आगे भी हम आपको ऐसी वीडियो देते रहेंगे, मटेरियल आपको देते रहेंगे करंट अफेयर से रिलेटेड, जिससे आपको करंट अफेयर्स को कवर करने में बहुत आसानी हो, और अच्छे से आप एग्ज़ाम में करंट अफेयर से रिलेटेड मोस्ट टॉपिक को, मोस्ट क्वेश्चन को कर सको। तो थैंक यू, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, और कमेंट ज़रूर करें। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू, बाय बाय।